तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। कर दो यार, कितनी बार कहूंगा सभी से। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लंच टाइम से। स्कूल में दिखाया जाता है लिनमो को जो कि अपने रूफटॉप पर जाने में लगा होता है। तभी रास्ते में कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। तो देखकर लिनमो कहने लगता है, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। तभी वहां पर कुछ लड़के आकर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं और लिनमो से कहने लगते हैं, तुम पहले फैट हुआ करते तो क्या हुआ, तुम्हारा फैट सारा का सारा चला गया है और तुम इतने ज्यादा पतले बन चुके हो, लेकिन तुम पहले की तरह एक होर थे, होर हो और होर रहोगे। तुम डिसग्रेस हो हमारे मेंस के नाम पर और कुछ नहीं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि तुम वुमेन्स के सीड्यूस करने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हो। और दूसरी तरफ हमें यानुई को दिखाया जाता है जो कि उनसे मन में सोचते कह रही होती है, और कहो इसे कुछ बेकार से वर्ड। और मुझे हिप्नोटिक पावर वाकई में बोलता पसंद आई। बस मैंने अपनी थोड़ी सी हिप्नोटिक पावर का इस्तेमाल किया और ये सभी के सभी मेरे कब्जे में आकर लिनमो को परेशान कर रहे हैं। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मैं जाकर इस मुसीबत के समय में लिनमो को बचाऊंगी और इसका हीरो बन जाऊंगी, बाद में मेरे प्यार में पड़ जाएगा। वाली स्टोरी बहुत सुनी है ना आपने, कुछ वैसा ही सीन। बहुत ज्यादा पिक्चर देखती है, बहुत ज्यादा। लेकिन लिनमो ठहरा एम्परर और गुस्से में कहने लगता है, अबे हट बे चिमकांडे कहेगा, मेरे रास्ते थे। ये सुनने के बाद वो लड़के भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार तुम किसी किसी हमसे बात करने में लगे हो और कहीं के। और उनमें से लड़का कहने लगता है, जब सभी लोग जाकर इसके पकड़ लो और मैं देखना चाहता हूँ ये फ्यूचर में जाकर यूतांग के साथ मिल पाता है या नहीं और सबक सिखाता हूँ अभी। लेकिन लिनमो ठहरा बहुत ज्यादा गुस्से में और एक पकड़ता है मुंह में दे मारता पट से अंडा फोड़। और बॉस का लौंडा होता है, लड़का होता है, वहीं पर बॉस पर गिर जाता है और लिनमो इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में। तभी दो लड़के उससे कहने लगते हैं, क्या तुम हमारे हाथों से मरना चाहते हो। तभी यानो ये सब देख रही होती है और मन में सोचते कह रही होती है, अब समय है सही, मुझे अपना कदम उठाना चाहिए। हीरो सेव द ब्यूटी वाली कहानी आ गई। लेकिन भाई साहब इतनी इसका प्लान तो नहीं धराका धरा रह जाता है। एक लड़की उसके सामने से गुजरती है और हमें पता चलता है एक और कोई नहीं हार यूंजी है और उन सभी को रोक लेती है और उसे लगती है, हे आखिरकार तुम क्या करने में लगे हुए हो। भाई यहाँ तो उल्टा सीन पड़ गया, यहाँ तो ये ब्यूटी आ गई हमारे हीरो को बचाने के लिए। क्या अब ये सेट हो जाएगी, पता चलेगा। तभी वो लड़का वहाँ पर चालू कर देता है रोना और भाई आंसू तो देखो मगरमच्छ के आंसू। और वो रोकर कहने लगता है, हम तो बस बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते थे लेकिन अचानक से हमें मारना चालू कर दिया इसने, इसका मन हुआ था ऐसे। और इसकी हिम्मत तो कितनी बढ़ गई है, हमें धक्का देने में लगा हुआ है और इसने मेरी नाक को भी मारा है। तभी जो हान योजी होती है बहुत बहुत गुस्से में होती है और उससे पूछती है, क्या ये सही है, आखिरकार मुझे कैसे पता होगा ये सब तुमने स्टार्ट नहीं किया। भाई जिस पोजीशन में इसमें खड़ी है ना, किसी ने हमें छोटी सी फूक मार दी ना तो साला सब कुछ दिख जाएगा। देखो 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 साले लौंडे, जूम करके देख रहे हो अभी भी, ठरकी के ठरकी बड़े पड़े सारे के सारे। और ये सब यानुई देखने में लगी होती है और मन में सोचते कहने लगती है, शिट इस बिच को देखो सर, इसका हिम्मत कैसे हुई मेरे हीरो बनने का मौका छुड़ाने की मुझसे। और वो भागते हुए उनके मुंह की आवाज़ आती है और कहने लगती है, लिनमो क्या तुम ठीक हो, जब मैंने सुना कि तुम यहाँ पर परेशानी में हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें तुरंत बचाने के लिए आ गई, मासूम तो चेहरा तो कितना बना रही है। तभी जो यानुई होती है वो यूनजी से कहने लगती है, क्या तुम वह हो जिसने लिनमो की मदद की थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, किसी दिन मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करूंगी। और लिनमो का हाथ पकड़ते उसे ले जाना चालू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो जुनजी होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे गलती है, रुको रुको रुको, जरा इस कनिंग वुमन को देखो तो सही, इसकी हिम्मत तो कैसे हुई एक जवान लड़के का हाथ इस तरीके से पकड़ने की। और भाई साहब यहाँ दो बिल्लियों की फाइट हो रही है, एक लड़के के लिए दो लड़कियाँ फाइट कर रही है, पर दुनिया उल्टी है तो समझ जाओ सालो ऐसी किस्मत कभी नहीं आने वाली, भूल जाओ ठीक है, ज्यादा ना सोचो। तभी यानुई उससे गलती है, तुम्हें मैं एक सलाह देना चाहूंगी कि दूसरे के कामों में टांग अड़ाना बंद करो। तभी लिनमो वहां से चला जाता है और हानियों से कहने लगता है, तुम इसे इग्नोर करो, अपन चलो अपन लोग चलते हैं। ये सुनने के बाद तो भाई साहब इसकी बहुत ज्यादा सनक जाती है और यानुई को भी गुस्सा हो रही है और कहने लगती है, हिप्नोसिस। और उसे पता चलता है कि इसका हिप्नोसिस लिनमो पे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। तभी जो डीमन होता है वह उससे कहने लगता है, आज पूरे दिन तुम कभी भी इस स्मेल का इस्तेमाल नहीं करोगी, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा महसूस नहीं होने में लगा है, बैड फीलिंग महसूस हो रही है। तभी वहाँ पर जो यूनजी होती है वो उससे पूछने लगती है यानुई से, मैंने सुना है कि तुमने एक बार इसे रिजेक्ट कर दिया था, कितनी ज्यादा स्टूपिड गर्ल है। और वो बस गुस्से में रह जाती है और लिनमो और हान यूनजी वहाँ से निकल लेते हैं पहले फुर्सत में। और भाई साहब इस समय पर यानुई का जो चेहरा है ना, इतनी संतुष्टि मिल गई है ना लॉन्डो को, गुस्से वालों सीरीज वाले को जो सीरीज को पसंद कर रहे हैं उनके लिए, और कभी गुस्सा हो रखी है, कभी आग बबूला हो रही है और कहने लगती है, कितना ज्यादा वुमेनाइजर है, कितना ज्यादा शर्म की बात है। तभी स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिनमो उस वेबसाइट को चेक कर रहा है और उसने जितने भी पैसे कमाए थे, मतलब जो तालिस्मान बनाया था ना कुछ समय पहले, वो बेच देता है, दो स्पेशल स्टोन मिलते हैं प्लस 300,000 युआन। तभी लिनमो ये सब देखने के बाद कहने लगता है कि अभी अभी मैंने पेपर डॉल से चेक किया था कि इसका बायर कौन है और ये तो यूतांग निकली, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो यूतांग है वो फिनिक्स ग्रुप की मेंबर है और जिस उनके लिए ट्रैप है मेरे लिए। तभी लिनमो उससे पूछने लगता है जुए से, तुमने मुझसे कहा था कि जो यूतांग है वो फिनिक्स ग्रुप की मेंबर है जिसका काम था कि वो इविल कल्टीवेटर्स को एलिमिनेट करे और इस पूरी की पूरी कंट्री में स्टेबिलिटी बनाकर रखे। इसमें लॉजिकल वाली बात तो है कि वे लोग ये सब चीज देखने के बाद लालची हो जाएंगे और इसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। तभी जुए से एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक ट्रिप है, ट्रैप है या नहीं है, क्योंकि जो फिनिक्स ग्रुप है उन्होंने पहले ही डार्क वेब को क्लीन कर रखा है और समय समय पर करते रहते हैं।
अगर उन्हें कुछ परेशानी होगी या कोई मेजर करना होगा या फिर हमला बोलना होगा और तुम्हें पकड़ना होगा तो वो डायरेक्टली तुम्हारे पास आते और वो क्लिक कर देता है। तभी वहाँ पर जैसे ही उसकी परचेज कंफर्म होती है तो रेगुलर एड्रेस दिया जाता है उसे और तभी वापस से मिलने को दिखाया जाता है जो कि अपना चेहरा बदल कर फिर से चला जाता है अपनी सेफ्टी के लिए। और जियो सिर्फ देख रहा होता है और कह लगता है ये मास्टर ये सब इतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। तभी नई जगह सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो लिनमो है वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर सोचने में लगा हुआ है। उसके सामने दो स्पीड स्टोन पड़े हुए हैं और क्या लगता है जब मुझे कमीशन देना पड़ा 200,000 का युआन का तो मेरे पास 70,000 युआन कैश और 2 स्पिरिचुअल स्टोन बचे हुए थे। मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद ना की थी कि इस बल्ट के स्पिरिचुअल स्टोन की क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेटर नहीं होगी और इतनी ज़्यादा बुरी होगी और तो वैसे पाने के लिए काफ़ी देर मेहनत करनी पड़ी। और इतना सोचने के बाद उन स्पिरिचुअल स्टोन को एक्सबॉक्स एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। लेकिन मैं अभी भी इन स्पिरिचुअल स्टोन का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का रिकवर कर सकता हूँ और वापस से उस एनर्जी का इस्तेमाल करते और तलिस्मान बना देता है। और जैसे ही तलिस्मान बनाता है तो उसमें से फिर से ड्रैगन उड़ जाता है और जुए को देते हुए कह लगता है कि ये दोनों तलिस्मान भी वेबसाइट पर डाल दो बाय करने के लिए। और जैसे ही वो लगाता है तो वहाँ पर उसके बायर्स तुरंत आ जाते हैं। और ये सब देखने के बाद तो कह लगता है कि इस दुनिया का जो कल्टिवेशन एनवायरमेंट है वो वाकई में ट्रूली बैकवर्ड गया है। यहाँ तक कि यहाँ के टॉप टायर स्पीड तलिस्मान है वो भी इन लोगों को इतना ज़्यादा एक्साइट कर देते हैं ना क्या ही बताएं। तभी जुए देखता है मास्टर देखो सही इसकी जो प्राइस है वो 3 मिलियन तक जा चुकी है सिर्फ एक के लिए 3 मिलियन 4 मिलियन। तभी हमें दिखाया जाता कोई बोल रहा होता तुम एकदम टोटली बौखला गए हो और जो नज़र रख रहा होता है आखिरकार एक तलिस्मान 3 मिलियन कैसे कॉस्ट कर सकता है। तभी वो आपस में कोई बात कर रहा होता है क्या लगता है इन्हें घंटा कुछ नहीं पता इस बारे में जो मैन इस तलिस्मान को बेचने में लगा हुआ है वो कोई आम इंसान नहीं है। अगर हम इसको अपनी ऑर्गेनाइज में ले लेते हैं और किसी मास्टर से इंट्रोड्यूस करा देते और फिर मुझे इसका मतलब तो ये है कि मुझे और तलिस्मान मिल जाएंगे। तभी युतांग का घर दिखाया जाता है वो भी कंप्यूटर पर बैठी हुई भाई इसका कंप्यूटर मुझे दिला दो इतना हाईटेक वो भी एक नहीं दो दो कहते हैं गेमिंग कंप्यूटर छोड़ो 3 मॉनिटर स्क्रीन कंप्यूटर आहा टेबल आहा। तभी युतांग किसी चीज़ को देखकर कभी तो गुस्सा हो रही होती है और दबा कर माउस पर क्लिक कर रही है और उसका 5 मिलियन युआन पहुंच गई प्राइस और लिनमो सब कुछ देखने में लगा हुआ है। और ये सब देखते हुए जो जुए होता है वो ज़्यादा चिल्ला रहा था इसलिए लिनमो से पट्टी से बांध दिया ताकि कुछ बोल ना पाए क्योंकि 15 मिलियन पहुँच गई भाई। और भाई साहब सभी के सभी लोग उसे कमेंट करना चालू कर देते हैं और कह लगता है आखिरकार ये बंदा है कौन। और ये सब कमेंट पढ़ने के बाद लिनमो मन में सोचते कह लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए चुप कर रहना पड़ेगा ये तलिस्मान बेचने के बाद। वो इस बात का डर है कि पूरा कल्टिवेशन जो वर्ल्ड है वो मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा आखिरकार मेरे पास कुछ तो पैसे आए अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अमीर बन गया। चलो देखते हैं क्या यहाँ पर कोई प्रोसेस है मतलब कोई प्रोग्रेस हुई है युतांग की तरफ से। तभी युतांग के घर का सीन दिखाया जाता है और वो देखता है अपने कैमरे से और कह लगता है कि युतांग है वो अभी भी इन्वेस्टिगेट करने में लगी हुई है तो जवान लड़के डिसअपीयरेंस हो रहे हैं उनको और जितने भी लोग गायब हुए हैं वो सभी के सभी लोग वर्जिन्स हैं और सारा का सारा मैटर है वो डीमन किंग से रिलेटेड है और ये सारा का सारा रियल टाइम सर्विलियंस है। भाई साहब जैसे ही जो युतांग है वो कंप्यूटर में एक इमेज देखती है तो वो कहने लगती है मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस बात पर इस बंदे की इतनी ज़्यादा अजीब फैटर से जो लड़का लड़की बनने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो कहने लगता है कि ये हेयर स्टाइल बिल्कुल बेकार और अनकूल है ये मुझे बिल्कुल भी फोटोजेनिक नहीं बना रही है। सब देखने के बाद जो युतांग होती है वो ज़्यादा गुस्सा के लगती है और उससे कह लगती है तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो और तुम्हारी हेयर स्टाइल का कारण ऐसा नहीं है तुम्हारा चेहरा ही एकदम नमूनों जैसा है। और वो इंटरनेट पर सर्च करने लगता है और कहने लगता है किस तरीके से लस्टफुल ब्यूटी बना जाए अपने फोटो में। और युतांग ये सब देखने के बाद फिल्टर ब्यूटी भाई साहब कहते पसीना पसीना हो जाती है सारा का सारा उल्टी करते मूड खराब कर दिया और प्लास्टिक सर्जरी वगैरह सर्च कर रहा है इतना ज़्यादा बकवास देखने के बाद उसके मुंह से खून निकल आता है और उसके आंसू भी निकल आए। भाई तुझ पर तरह सारा युतांग तुम अभी भी सिंगल हो पर मुझे पता है किसी को भी उठवा लोगी पता है पर फिर भी ये हालत देख कर मुझे तरस आ रहा है। अरे ये सब देखने के बाद उसकी आँखें फूट जाती हैं भाई बवाल तो दिख रही है आप बताओ इसके गुब्बारे पसंद आया नहीं। और तभी वो कहने लगती है मुझे उम्मीद है कि वो फैट गया क्या वह भी इसी तरीके कोई ठड़की बड़की बंदा है जो लड़की बनने की एक्टिंग करता है और अपने आप को समझ रहे हो। तभी लंच टाइम का सीन दिखाया था नेक्स्ट डे का और वो अभी भी लिनमो उस बात को सोचने में लगा हुआ है और मन में सोचते कह रखता है आखिरकार युतांग ने ऐसा क्यों कहा था उसने जो कहा था उससे मेरा क्या लेना देना। तभी जो हान युनजी वो पूछने लगती है उससे हे अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है आज खेलने में तो हम बाद में भी खेल सकते हैं और मुझे इस तरीके से गेम बिल्कुल तुमसे नहीं जीतना। और वहाँ सन्नाटा चल जाता है लिनमो कुछ नहीं बोलता अभी सोच में पड़ा अपनी और कहने लगता है अच्छा ठीक है हम बाद में खेलेंगे और मन में सोचते कहने लगता है चलो यार देखेंगे बाद में। तभी हान युनजी इसकी सिचुएशन देखती है और कह लगती है सीधी सी बात है कि मैं इसके इस हालत का फायदा नहीं उठा सकती और मैं हार भी नहीं मानना चाहती और इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं जीतना चाहती और मैं किसी का भी इस समय पर एडवांटेज ना उठाऊं तो बेटर रहेगा। और लिनमो वहां से जाकर एक साइड में खड़ा हो जाता है और हान युनजी उसे देखने में लगी उसे और लिनमो अपने चारों अपने हाथों को फैला देता है और बाउंड्री पर खड़ा मर जाएगा गिर गया तो हवा चली तो और कहने लगता है अगर मुझे अपनी यंग पावर परफेक्शन पहुंचानी है तो मुझे यहां पर एक फॉर्मेशन सेट करनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा पावरफुल यूनिट एनर्जी है वो सिर्फ डेविल से ही मौजूद हो सकती है जहाँ ईविल एनर्जी वहीं सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन। अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज होती है इसका पता लगा सके किस डायरेक्शन में
और उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है, तभी वहाँ से हमें दिखाया जाता है कि जो यूनजी होती है वहाँ से जाना चालू कर देती है और उससे कहने लगती है कि तुम गिर मत जाना, और लिनबो भी वहाँ से जाने लगता है और उससे कहता है ठीक है। भाई साहब कितना कूल सीन लग रहा है ना यार, कितना ऑसम सीन लग रहा है भाई, कितना फिट बंदा है, बंदी देखो कतई लौंडिया लग रही है बवाल। और ये सब इतने ज़्यादा रोमांस देख, रोमांस नहीं चल रहा पर यार माल तो लग रही है कुछ भी कहो, और ये सारे की सारी जो सिचुएशन है वो सब कुछ यानुई देखने में लगी हुई है और उसकी जलकर राख हो रही होती है और बहुत गुस्से में होती है। और लिनबो जैसी बाहर निकल रहा होता है बहुत गुस्से में उसके पास आती है और उसे रोक लेती है लिनबो को और कहती है तुम वहीं रुक जाओ। और इसी रुकावट के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।